तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बनाएंगे मटर की कचौड़ी। मटर की कचौड़ी बनाने के लिए हमने मटर को बॉईल करने के लिए रख दिया है। मटर के पक जाने के बाद इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। इसे हम मिक्सी में पीसेंगे बिना पानी डाले। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। सारे मटर को हमें पीसना है। कुछ इस तरीके से मिक्सी में पीसना है, बिल्कुल दरदरा, ताकि ना एक भी मटर साबुत रहेगा ना तो पूरी बेलने में बहुत दिक्कत होगा। ये तेल गरम किया मैंने, अब हम इसे इसमें डालेंगे। इसे हमें ऐसे डालना है तेल में, सारे मटर को फ्राई करेंगे हम इसे। कुछ इसी तरीके से आपको सारे मटर को हल्का ब्राउन करना है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब मटर उबालते हैं ना, तो उबालने के बाद ना मटर के अंदर थोड़ा सा पानी वानी रह जाता है, नमी सी हो जाती है उसके अंदर। तो इसलिए इसको फ्राई जब हम करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमें पूरी बनाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। करते मटर बिल्कुल अच्छे से, इसने अपना पानी सारा सोख लिया है, बिल्कुल सूख गया है। इससे हम जब बेलेंगे ना तो ये फटेगा भी नहीं और पूड़ियों में ना तेल भर नहीं भरेगा। अब इसमें हमें धनिया का पाउडर, चीनी, जीरा का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालना। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको आँच ना बिल्कुल धीमी आँच पर रखना है, ताकि ये जल ना जाए। तरीके से आपको बना के तैयार करना है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। ये जो हमें कचौड़ी बनाने के लिए चाहिए मैदा, उसमें डालेंगे अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और इसमें डालेंगे मोयम। इसे हमें गर्म हल्का गर्म पानी में गूंदना है। इसका डो ना ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हल्का, बिल्कुल आपको टाइट नहीं गुनना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बस मीडियम, ऐसा कि मतलब कचौड़ियाँ बनने में दिक्कत ना हो, बिल्कुल इसी तरीके से आपको गुनना है। कुछ इस तरीके से आपको भरना है। बीच में पहले एक लोई लेंगे, उसमें होल करेंगे बीच में, ठीक है, और फिर उसके अंदर आपको भरना है कुछ इस तरीके से। ये आपको होल किया आपने, अब इसमें मटर भरेंगे। अब इसकी लोई बना देंगे कुछ इस तरीके से। आपको बनाना है बिल्कुल, ये भरकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेलें। कुछ इसी तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ताकि ये फटे नहीं। इसी तरीके से बेलना है ताकि बिल्कुल फटे नहीं। अब हम इसमें इसको डालेंगे और तलेंगे कुछ इस तरीके से। हल्के हल्के का तलना है आपको, ताकि ये फटे नहीं, बिल्कुल भी दबाना नहीं है, नहीं तो तेल भर जाएगा सारा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।